चौहान एक्टर मॉडल एंड प्रोड्यूसर सर आज जो सीन पे चल रहे है, फिल्म है, अब क्या नाम है क्या किरदार है है आपका आ, ये फिल्म रक्तधार इसका नाम एंड मूवी uh, हिंदी तमिल तेलुगु में रिलीज होगी एंड uh, इसमें मेरा जो किरदार है एक uh, पैरेलल uh, जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं तो पैरेलल हीरो के है और बहुत अच्छा करेक्टर है मेरा इसमें एंड uh, इसमें सभी स्टार कास्ट भी बहुत अच्छे हैं जो मार्केट के स्टेब्लिस्ड हैं uh, मुकेश ऋषि जी हैं शाह खान हैं एहसान खान भाई हैं एंड शक्ति कपूर जी हैं और बहुत सारे आ, 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 आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है और स्टोरी और डायरेक्ट की है अजीत वर्मा ने की स्टोरी में आ, ये मान के चलो कि बहुत जान डाली है ये रोल कैसे मिला आपको uh, रोल uh, अजीत जी से मेरी एक बार मीटिंग हुई थी किसी प्रोजेक्ट को लेके तो उन्होंने मेरा लुक देखा हुआ था और उस लुक को देखते हुए और मेरे जो कुछ जो कि मैंने अभी माफिया बिग बॉस मेरी अभी रिलीज़ होगी माफिया बिग बॉस में मेरा करेक्टर उन्होंने देखा और उसमें उसी हिसाब से उन्होंने डिसीजन लिया एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर अजीत वर्मा डायरेक्टर जिन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और वास्तव में अभी जो हमने रसीज देखे हैं उसमें जो एक लुक निकल के आया है बहुत बेहतरीन लुक निकल के आया है इससे इस पहले मैंने हरियाणवी फिल्म किए बिकॉज मैं हरियाणा गुरुग्राम से बिलोंग करता हूँ पहले मेरी दबंग छोरा फिल्म आई थी एंड एक मैंने पंजाबी मूवी की और एक हिंदी फिल्म मेरी रिलीज़ हुई है हम हैं वंडर बॉयज़ उसमें मैंने एक वकील का करेक्टर किया है तो इस तरह से वो कुछ कॉन्फिडेंस आया है और आज आ, इतने अच्छे स्टैब्लिश आर्टिस्टों के बीच में काम करने का मौका मिला आई एम वेरी ग्रेटफुल सर बात करें हरियाणा की आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा से बॉम्बे का सफर कैसा रहा और यहाँ आकर यहाँ का स्ट्रगल नो no डाउट आज बहुत कंपटीशन है और जो यूथ है और नए नए जो आ, आर्टिस्ट आ रहे हैं तो बहुत अच्छा टैलेंट है उनके अंदर लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम हमें कंटिन्यू सरवाइव करने का मौका मिल रहा है तो नो डाउट गॉड की ग्रेस ग्रेस है एंड जैसा कि आपने पूछा कि हरियाणा का जो सफ़र था तो वहाँ से हरियाणा ने एक कॉन्फिडेंस लेवल दिया हमें एंड एक ऐसा सोचा कि मुंबई में जाके अपने इस टैलेंट को और इस, इस जो अंदर से एक बर्निंग डिजायर है और एक जो फायर है उसको मतलब दुनिया में दिखाया जाए और उस टैलेंट की दुनिया कदर करे

कहा जाता है ऐसा जा स्ट्रगल में किसी किसी को खाने के लिए भी नसीब नहीं होता एक एक दो तीन तीन ती दिन तक नो no डाउट देखो एक ये यहाँ पे मुंबई इट्स नॉट ए जोक और आर्टिस्ट में यहाँ पे कंटिन्यू काम नहीं मिलता है और मैं भी कोई एक बड़े इससे वो नहीं हूँ कि मेरा फादर कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हैं और बहुत बड़ा हमारा हिसाब किताब है मैं खुद ही अपने आप में अपना बैकअप बना के और सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ और मुंबई में नो no डाउट कभी कभी हमें भी मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और घर वाले भी कहते हैं कि तुम इतना और किसी उसमें एनर्जी लगाओगे तो ज़्यादा सक्सेस हो जाओगे लेकिन जो एक आर्टिस्ट का एक जो जुनून होता है एक पागलपन से ही आर्टिस्ट बनता है और यहाँ पे नो no डाउट बहुत सारी परेशानियाँ हैं लेकिन ज़िंदगी का असली जीवन जीने का मज़ा यहाँ पे है स्ट्रगल में ही मज़ा है बहुत सारी चीज़ें होती कई बार नहीं मिलता हमें खाना मनपसंद का जैसे घर पे मिलता है सोने को भी नहीं मिलता रात दिन कई बार काम होता है और कई बार इतने वेले हो जाते हैं इतने खाली हो जाता है तो दिमाग भी बड़ा अजीब हो जाता है लेकिन अगर आपकी पॉजिटिव अप्रोच है मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव अप्रोच है पेशेंस है और डेडिकेशन है आपका तो मंजिल ज़रूर मिलती है ऐसे डाउट करने की जरूरत नहीं है सर

जो आज हॉलीवुड में भी अपना नाम कमा रहे हैं तो वो भी एक छोटे से गांव से और टाउन से बिलोंग करते थे तो मेरा भी यही ख्वाहिश है कि उनके बीच में काम करने का मौका मिले उनका सानिध्य मिले उनका प्यार और आशीर्वाद मिले और मैं चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से वो दिन ज़रूर आएगा कि जब मुझे एक खुल के टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा पाइपलाइन में मेरा अभी मैंने वैसे तो देखो भोजपुरी भी हिंदी भी पंजाबी भी और अभी तमिल तेलुगु की फिल्म कर रहा हूँ मैं तो ये लेटेस्ट मेरा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हो रहा है रक्तधार इसमें बहुत अच्छा बहुत अच्छा काम हुआ है और ऑडियंस को बहुत अच्छा पसंद आएगा और बीच में एक दो और प्रोजेक्ट से मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा और मैं प्रेयर भी करता हूँ और आप लोगों से आशीर्वाद भी लेता हूँ कि मुझे अच्छे काम मिले

रूप से उस रूप में जाने के लिए लैंग्वेज की बात नहीं नहीं नोटिस no, बदल जाती है नो डाउट नो डाउट मेरी जो डिक्शन है हरियाणवी आती है टच उसमें जब मैंने पहली पंजाबी मूवी की तो थोड़ा सा हल्का सा मेरे को डिफिकल्टी हुई फिर आ, मौका मिला भोजपुरी फिल्म का क्योंकि एक आर्टिस्ट है उसको हर तरह के किरदार जीने का मौका मिले हर भाषाओं में काम करने का मौका मिले तो मैं मेरे राजकुमार पांडे फर्स्ट डायरेक्टर रहे भोजपुरी फिल्म के बहुत अच्छी हिट फिल्म हुई तो जितने भी भोजपुरी के सुपर स्टार्स हैं उनके साथ में काम करने का मौका मिला तो मैं तो थैंक्स बोलना चाहूँगा और बट नेचुरल दिक्कत होती है लैंग्वेज़ में एंड वहाँ के कॉस्ट्यूम्स में उनकी बोलचाल में उस टीम के साथ में काम करने में लेकिन अगर आपके अंदर अपने एक जुनून है एक अपनी लगन है तो वो इजी हो जाती है सर आप अपना किसको मानते हैं किसको देख के आपने एक्टिंग एक्टिंग करना शुरू किया किसे इंस्पायर है कोई यादगार लम्हा जो आपको लगा कि नहीं मुझे भी करनी चाहिए उस टाइम पे देखो मैं सन्नी का काफ़ी फैन था क्योंकि जिस तरह की मूवीज़ सन्नी पाजी करते थे और हमारे उधर से बिलोंग करते थे नॉर्थ से तो मैं उनका काफी उनकी फिल्में देखता था कोई भी फिल्म उनकी नहीं छोड़ता था और उससे पहले उनके फादर की धर्म जी की मूवीज आती थी तो उस तरह के मेरे अंदर करेक्टर्स का एक डेवलपमेंट आई एंड uh, और जहाँ पे एक्ट्रेस की बात रहे तो उस टाइम पे माधुरी माधुरी जी का अच्छा uh, स्कोप था तो माधुरी जी का अच्छा मेरा uh, जहन में आया कि, कि जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग को अपने मतलब रोम रोम में घुसाया और ऑडियंस को एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ में एक अच्छा मैसेज भी दिया तो वो उस तरह का करके मेरा एक आया हालांकि मेरा फील्ड नहीं था मेरे फैमिली में दूर-दूर तक कोई एक्टिंग करने वाला नहीं है और ना कोई स्पोर्ट करने वाला है और बहुत तकलीफें भी होती हैं फाइनेंशियली भी क्योंकि फैमिली में मैं केवल मैं ही कमाने वाला हूं और उसके बावजूद मैं मुंबई में यहां पे आके अपने ऊपर खर्च करना फैमिली के मेंटेन करना इट्स नॉट अ जोक कभी सनी भाई से मिलने का मौका मिला है आपको हाँ सनी पाजी से मैं एक फिल्म कर रहा था भैया जी सुपरहिट तो उसमें मिलने का मौका मिला था सनी पाजी से एंड धर्म जी से भी मेरे को सौभाग्य मिला मिलने का लेकिन उस तरह से एक फ्रेंडली हम बात नहीं हो पाई तो नो no डाउट and... इस इस फिल्म की बात करें तो कब से कितनी शूट हो चुकी है कब तक परदे पर देखेगी दर्शकों को हाँ ये बहुत जल्दी पर्दे पे नज़र आएगी ये अभी लास्ट इनका शेड्यूल चल रहा है रक्तधार का तो सारी कंप्लीट हो चुकी है शूटिंग एंड आज दो दिन का इनका शूट बाकी है और साथ में पैरेलली एडिट भी चल रहा है तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं पाटिल साहब वो लगे हुए हैं और मैं उनको भी थैंक्स बोलना चाहूँगा कि वो एक लीक से हट के सब्जेक्ट को उठाया है और कर रहे हैं तो मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा। शक्ति जी के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आ, शक्ति जी बिंदास सेक्टर हैं और नो डाउट सभी को पता है कोई जो शेयर करना चाहे दशर तो यादगार लम्हा यादगार इस इसमें शक्ति, शक्ति जी का बहुत बेहतरीन करैक्टर है इसमें आ, जो हमारे इसमें समाज से छूट के रहते हैं जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं छक्का तो उनका करैक्टर निभा रहे हैं वो और पहली बार जो उस बिरादरी से निकल के और एम एल बनते हैं तो वो एक हमने बड़ा वो लिया है और उनके साथ में मेरे कट टू कट सीन्स नहीं हैं लेकिन उनके कुछ इस तरह के अपना सीन्स हैं जिसमें उनका सानिध्य मिला थैंक यू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एंड uh, मैं आपको भी विशिंग देता हूँ कि आपका चैनल भी बहुत बहुत इसी तरह से मेरे जैसे आर्टिस्ट का कवरेज uh, करते रहें ताकि uh, आम दर्शकों तक और uh, और जो इस तरह के स्ट्रगलर्स uh, हैं और जो आर्टिस्ट हैं उनको एक मैसेज मिले थैंक यू हाँ बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसके अंदर फायर है और लगन है तो जो मुश्किलें हैं मुश्किलें तो सभी के जीवन में आई है